Got a feeling that I'm onto something. Wings growing on my back, and the bliss that I feel when I think back and I check myself. अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे सारे? उम्मीद करता हूँ सब मस्त होंगे, मज़े में होंगे। तो आज के व्लॉग की कहानी ये है कि मैंने कुछ टाइम पहले एक वेब सीरीज़ के लिए ऑडिशन दिए थे राजबाग में, तो तब से कोई एक दो हफ्ते हो गए और कल मुझे कॉल आया कि भाई आप दोबारा से आए, आपका दोबारा से स्क्रीन प्ले लेना है। तो मैं कहा ठीक है चलते हैं। तो अभी मुझे जाना है राजबाग, चलता हूँ मैं राजबाग और देखते हैं कि ज़रा क्या होता है। सो विश मी लक कि मेरा स्क्रीन प्ले अच्छा जाए, और अगर मतलब हो गया ठीक तो फिर मुझे मिलेगा रोल वेब सीरीज़ में, अदरवाइज नहीं मिलेगा तो वो भी ठीक है, बट अगर मिलेगा तो काफ़ी अच्छी बात है और आप भी मुझे एक बड़ी स्क्रीन पे देखेंगे। सो चलते हैं राजबाग कभी और देखते हैं कि क्या होता है। तो ऑडिशन भी हो गए हमारे डन, तो ऑडिशन दिए मैंने और उन्होंने कहा कि 10 एपिसोड्स आ रहे हैं तो किसी ना किसी एपिसोड में रोल ज़रूर मिलेगा। और अब कल का जो मेरा ऑडिशन था, मुझे जो दिया था रोल प्ले करने के लिए, जो जिसका मेरा स्क्रीन प्ले हुआ वो था मतलब कि मैं एक डाकू हूँ, मैंने कोई दुकान चुराई हुई है, तो वो रोल मुझे सही नहीं लगा। टू बी ऑनेस्ट मैं सोच रहा था कि अब ये होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, तो मैं सोच रहा था कि ये रोल मुझे नहीं मिलना चाहिए था, कि मेरा स्क्रीन प्ले इनको पसंद नहीं आना चाहिए था। अब देखते ज़रा क्या होगा। तो फिलहाल ऑडिशंस को रखते हैं साइड पे और हमारे एग्ज़ाम्स भी ख़त्म हो गए और माशाल्लाह एग्ज़ाम्स अच्छे गए, तो पास हो जाएंगे हम। और 14 फरवरी से हमारा नेक्स्ट सेम स्टार्ट हो रहा है, अब पता नहीं हम कब जाएंगे। तो आज आए हमें अपने दोस्तों के पास और ये रहा मुदस्सिर भाई, इसके रूम पर आए हुए हम। भाई क्या कर रहा है तू भाई? तो ये है दूसरा भाई, कैसे गए एग्ज़ाम तेरे? मस्त। डिस्टिंक्शन होगी? डिस्टिंक्शन तो नहीं लेकिन पास जरूर है। ये हमारे ग्रुप का सबसे वो क्या बोलते हैं उसको, टॉपर। तो हाँ टॉपर है ये, और ये पूरे कॉलेज का टॉपर है चिन्नी चोर और मेरा तो सब लोग को पता ही होगा मैं क्या हूँ। तो ठीक है हम खाना खाते हैं, फिर सुबह मेरे को बानियाल जाना है और फिर हम संडे को जाएंगे ट्रैक पे, तो उसका भी व्लॉग बनाएंगे। फिलहाल अभी हम खाना खा के सुबह मिलते हैं आप लोग के साथ। तो ये हमारा खाना है, आप देख सकते हैं खाना रेडी है। भाई भाई मेहनत किसकी है भाई? मेरी। अच्छा सही है, क्रेडिट सही चुराने आता आपको। चलो जो भी सही है सही है सही है। Wrinkles next to my eyes, laughing without a doubt. तो आज है दूसरी सुबह और अभी हम दसिर के रूम से चले आए हैं चाय पी के। तो अभी हम जा रहे हैं लाल चौक, जावेद को कुछ काम है तो फिर चलेंगे हम अपने अपने घर। इनको जाना है बांडीपुर है, मुझे जाना है बानीहाल। तो फिर कब मिलेंगे हम? मार्च में मिलेंगे फिर हम। तो अभी धूप बहुत आ रही है सामने से, सीधी आंखों पे पड़ रही है। सो अब हम मिलेंगे बानीहाल में इंशाल्लाह। तो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं सारे? उम्मीद करते हैं सब मज़े में होंगे। तो आज हम आए हुए हैं ट्रैक पे, अभी हमें चकनाड़वाव में, और हमें कहाँ जाना रहे हो? ऐसे तो हमें नाम बोला गया, इस जगह का नाम नावनक है। नावनक है, अगर आप लोग सारे बानिहाल से होंगे तो हम जहाँ जब चढ़ेंगे मालनक, हाँ मालनक, तो वहाँ से डोलीगाम भी दिखेगा और क्या दिखेगा, और पूरा ये चकनाड़वाव का ही सारा दिखेगा। तो मेरे साथ हमेशा की तरह आरिफ भाई है, मतलब मैं इनके साथ आया हूँ जो भी। तो अभी हमें चकनाड़वाव में, तो अभी हम चल रहे, तो देखेंगे ज़रा कब तक हम पहुँचते हैं। ऐसे 3-4 घंटे लगेंगे? नहीं उतना नहीं लगेगा, थोड़ा कुछ प्लान में कुछ गड़बड़ नहीं आना चाहिए, मतलब हाँ, मतलब पहले कभी गए नहीं इधर हम, तो पहली बार वहाँ जा रहे हैं, तो अगर सब सही रहा तो 1-2 घंटे में पहुँच जाएंगे। तो सही है, अदरवाइज अगर कुछ थोड़ा हमें अनयूजुअल लगा तो फिर हम वापस भी आ सकते हैं आधे रास्ते, क्योंकि खतरे से नहीं चलेंगे हम। फ्रेंड्स अभी हम एक जगह पे पहुंचे हैं, तो यहाँ आप देख सकते हैं वाटरफॉल पीछे, क्या खूबसूरत वाटरफॉल है। तो यहाँ वाटरफॉल ही वाटरफॉल दिखने को मिलते हैं, जैसे ही हम नीचे से आए थे तो 2-3 वाटरफॉल हमने पहले से ही देखे। तो काफ़ी मस्त वाटरफॉल्स है, जो बर्फ़ ऊपर पिघली हुई है वही वाटरफॉल है ये। तो आ गए अपने आरिफ भाई सामने, तो
बाकी ये कुछ यहाँ का सीन है, अब देख सकते हैं। तो यहाँ पे अरे भाई आप क्या कर रहे हैं चश्मे को यहाँ पे एज एंटी फिल्टर यूज किया जा रहा है, ये आप देखिए ऐसे टैलेंटेड लोग कहाँ मिलते हैं, चकनड़वा में मिलते हैं, चकनड़वा के इन वाटरफॉल्स में मिलते हैं ऐसे टैलेंटेड लोग जो चश्मे को एंटी फिल्टर बनाते हैं। देखिए आरिफ भाई जो है वहाँ से थोड़ा साफ सफाई कर रहे हैं इसलिए कि फ्रेम काफ़ी अच्छा आए, तो आप देख सकते हैं एक फोटो के लिए कितनी मेहनत की जाती है। तो आप देखिए और ये देखिए मैं कहाँ पे हूँ अभी, बिल्कुल वाटरफॉल के सामने। वाव 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 ये सामने आप देख सकते हैं जो पहाड़ है ये बुजला वाली साइड के है, जो खड़ी वाली साइड से आता है, तो बाकी वो आप नीचे देखिए गांव का है कहाँ से हमने स्टार्ट किया। तो आरिफ भाई हम यहीं से वापस चलेंगे अब। हाँ यार कुछ मूड नहीं बन रहा है, वाटरफॉल्स में हमें काफ़ी मज़ा आया। हाँ और काफ़ी टाइम हमने यहाँ मतलब तो मेरे से हम सोचते हैं कि अब बेटर है वापस ही जाना क्योंकि ऊपर जाने से थोड़ा लेट होगा, तो अब हम चलेंगे यहीं से वापस। तो क्योंकि काफ़ी लेट हो गया, अगर हम ऊपर जाएंगे तो फिर लेट हो जाएगा, अगर हम लेट घर पहुँचे तो दूसरी बार अलो नहीं करेंगे घर से आने के लिए, तो इसीलिए टाइम पे पहुंचना काफ़ी ज़रूरी है। तो एक और बात पंचुअलिटी भाई में आ गई है, सुबह में काफ़ी जल्दी पहुंचा था लेकिन आर्य भाई जो है काफ़ी लेट हो गए भाई, 2 घंटे रुकाया आपने। कोई बात नहीं तो हर बार मतलब आर्य भाई रुकते हैं, मैं हर बार लेट हो जाता हूँ, तो इस बार मेरा बल्ला बाट हुआ था। तो अभी हम चलते हैं वापस, लेकिन अगर आप यहाँ आना चाहेंगे मतलब अगर आप बांधल साइड से कहीं से तो अरे भाई आप रेकमेंड करेंगे यहाँ आने के लिए, मतलब कि हाँ हाँ टाइम वसूल है, मतलब काफ़ी अच्छे वाटरफॉल्स आपको दिखने को मिलेंगे, अच्छे विजुअल दिखने को मिलेंगे, तो ज़रूर आइएगा। अभी मैं पूरा वो मीडिया वाला बना हूँ तो पूरे जोश में, अभी चलेंगे हम वापस, वहाँ से लड़के हमें देख रहे हैं, आप देखिए। तो फ्रेंड्स हम आ गए वापस, यार बेस ये स्कूटी वहाँ पे हमारी, तो बाकी ये है चकनाड़वा का गांव जो है आप देख सकते होंगे। तो ये पहुँचे आरिफ भाई वहाँ पे, तो ठीक है फिर। भाई है मैं चलता हूँ, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अब कब जा, अब मऊ जाना है ना, कब जाएंगे? चलो ठीक है, चलो फिर बाय बाय। तो अब अगले हफ्ते हम जाएंगे मऊ, सो फिलहाल मैं घर चलता हूँ। तो आज है दूसरी सुबह और अभी हम दस रुपये से चले आए हैं चाय पी के, तो अभी हम जा रहे हैं लाल चौक, जावेद को कुछ काम है, तो फिर हम चड्डी की कमी हो गई है हमारे पास यार, यार।